हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल टाइप का केक। ये केक इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हमें ओवन या फिर माइक्रोवेव की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई इसमें एग नहीं है और कुछ भी हमें एक्स्ट्रा मैदा या कुछ और इन्ग्रीडियंट बाज़ार से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आज हम केक बना रहे हैं वो बना रहे हैं पार्ले जी बिस्किट से, जिसके लिए हमें चाहिए पार्ले जी बिस्किट के 2 पैकेट। ये 200 ग्राम है टोटल बिस्किट हमारा, और मैंने ले लिए हैं नट्स, किशमिश, काजू, जो भी मतलब आपके पास नट्स अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। और मैंने लिया है एक इमलो का पैकेट लिया है, और लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने बटर ले लिए हैं, और लगभग मैंने 2 से 2.5 बड़े चम्मच चीनी ले ली है, और 1 मग में मैंने ले लिया है दूध। आइए हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सारे बिस्किट्स मैंने रैपर करके जार में पलट दिए हैं। इस तरीके से आप भी इसको जार में डाल दीजिए। और ये मैं दूसरा बिस्किट भी ले लेती हूँ, उसको भी मैं अच्छे से खोल देती हूँ। उसके बाद हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मिक्सर जार में डाल देंगे। हमें इसका एक्चुअली पाउडर बनाना है। अब ये बिस्किट हमने इसमें डाल दिए, दूसरा काम क्या करना है, हमने डालनी है चीनी। तो लगभग मैंने 2 पैकेट में 2 से 2.5 बड़े चम्मच चीनी ली है, वो मैंने डाल दी है। अगर आप इससे तेज़ मीठा खाते हैं तो आप चीनी को बढ़ा सकते हैं। मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि बिस्किट्स में ऑलरेडी शुगर कंटेंट हमारा होता है। अब इसको डाल के जार को कर देते हैं बंद, और इसको अच्छे से बारीक ग्राइंड कर देते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरे बिस्किट्स जो हैं वो अच्छे से पाउडर हो चुके हैं, जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था। ये देखिए, इतना ही बारीक मुझे चाहिए था। और हमें चीनी इसी टाइम पे मिलानी है ताकि ये अच्छे से, चीनी जो है उसका भी कोई पार्टिकल या क्रिस्टल ना बचे, वो भी अच्छे से पाउडर हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिलाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए व्यूअर्स, हम अपने बिस्किट पाउडर को और शुगर पाउडर जो हमने किया था इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने सारा का सारा बोल में ट्रांसफर कर लिया। अब बोल में ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दूध। दूध हमने लेना है, जो लेना है थोड़ा गुनगुना दूध लेना है हमने। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे ताकि लम्ब्स ना पड़े अकॉर्डिंगली। अब ये देखिए, इसको कंटिन्यू बीट करते रहेंगे और दूध डालते रहेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से विस्क करते रहिए। और प्लीज़ जो एक नोट करने वाली बात है, इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है हमने, इसकी डायरेक्शन चेंज मत करिए। अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो इसको क्लॉकवाइज कंटिन्यू रखिए, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू रखिए। तो हमने ये बहुत ध्यान रखना है केक में, इसी से केक बहुत फ्लफी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं मेरा बैटर मुझे अभी भी गाढ़ा लग रहा है। मैं धीरे धीरे इसके अंदर दूध की क्वांटिटी और इंक्रीज करती जाऊंगी। मुझे एक रिबन कंसिस्टेंसी का अपना बैटर चाहिए केक के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस लेवल पे आएगा। इसको अच्छे से विस्क करते रहिए साथ साथ। इसी बीच हम घुमाते घुमाते इसको अच्छे से विस्क करते करते बटर डाल देंगे। लगभग मैंने बता दिया था आपको क्वांटिटी, ये 2 बड़े चम्मच हमारा बटर है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और बटर से क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एक बटरी सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है, और ये भी अंदर से केक को मॉइस्ट करता है, इसलिए हम इसमें बटर डाल रहे हैं। एक हमें केक अंदर से मॉइस्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके अंदर बटर डालें। आप देख सकते हैं बटर भी कितना कम क्वांटिटी में हमने डाला है। आप और केक बनाते हैं उसके अंदर वो 100-100 ग्राम 150-150 ग्राम बटर डालना पड़ता है, तो वो कितना मतलब ज़्यादा लगता है। यहाँ से हमारा काम हो जाएगा 2 चम्मच बटर में, बस हमें दूध के साथ इसको लगातार मिलाते रहना है अच्छे से। बस चीज़ ये ध्यान रखनी है, लम्ब्स ना पड़ने दें, कॉन्टिनेशन में चलाते रहें, एक ही डायरेक्शन में चलाते रहें इसको। आप देख सकते हैं मेरे बैटर बिल्कुल
तैयार हो गया। अब मैं आपको इसकी ना कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि एक ये रिबन कंसिस्टेंसी का बना है। ये देखिए, ये रिबन की तरह देखिए नीचे गिरता जा रहा है। ये देखिए बहुत ही फूल में एक रिबन जैसी कंसिस्टेंसी आती है, वो हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने से क्या होता है, इसके अंदर हवा भरेगी तो ये केक हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनेगा। ऐसे करके आपने ऐसे केक को छोड़ देना है, इसको बोलते हैं हम फोल्ड। तो हमें कम से कम 4 से 5 मिनट इसको फोल्ड देना है ताकि हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने। आप देख सकते हैं कितने ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम नो ओवन केक, नो एग केक बना रहे हैं। तो आप इसको अपने घर पे बना के कितने कम इंग्रेडिएंट्स में और इकोनॉमी केक है ये बहुत ही बना सकते हैं। कोई छोटा मोटा बर्थडे हो, कोई गैदरिंग हो, तो आपको लिटरली बता रही हूँ, बता भी नहीं पाएगा कि ये आपने बिस्किट का केक बनाया है। जहाँ साथ ही साथ हम अपना केक को फोल्ड कर रहे हैं वहां मैं अपना केक क्या कहते हैं गैस पे हीट कर लेती हूँ। आप इधर देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई के साथ साथ एक स्टैंड भी रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, आप कोई एक फ्लैटन कटोरी लेके उसको उल्टा करके रख सकते हैं। और इसको मैंने गैस को कर दिया है स्टार्ट, तो मैं 5 मिनट पहले ही इसको प्रीहीट कर लूँगी। तो मैं किसी बर्तन से इसको ढक दूँगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो मैंने इसको ढक दिया है ताकि प्रीहीट हो सके। मैंने इसको मीडियम कर दिया अपनी गैस को प्रीहीट करने के लिए। और जब तक हम क्या करते हैं, साथ ही साथ अपने केक को फोल्ड करते हैं, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। लगभग 5 मिनट होने वाले हैं मुझे केक को फोल्ड करते हुए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं मैं वो डाल दूँगी। तो मैंने इसके अंदर अखरोट लिया है, काजू लिया है, किशमिश लिया है और बादाम लिया है। तो मैं इसके अंदर इस टाइम पे डाल दूँगी और थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ। तो इसको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है। बिलीव मी, आप बनाकर देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने कम टाइम में, इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ हम घर में इतना अच्छा विदाउट ओवन और विदाउट माइक्रोवेव कोई केक भी बना सकते हैं। लिया है एल्युमिनियम यूटेंसिल, मार्केट में और भी बहुत सारे केक यूटेंसिल आते हैं बट मेरे घर पे एल्युमिनियम का अवेलेबल है। मतलब कोशिश कीजिए आप भी एल्युमिनियम का लीजिए, क्योंकि केक क्या होता है, ठंडा होने के बाद जल्दी से इसको छोड़ देता है। इसमें डाल लेती हूँ मैं लगभग आधा चम्मच से मैंने बटर डाल लिया है और इसको मैं हाथ से कर लेती हूँ अच्छे से ग्रीस, इसकी एजेस, इसका बॉटम अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। ग्रीस करने का ये फ़ायदा है कि केक इस पर चिपकेगा नहीं, पकने के बाद इसको आसानी से छोड़ देगा। ये मैंने अच्छे से कर लिया है ग्रीस। अब क्या करेंगे, हम करते हैं थोड़ा सा फ्लोर डस्टिंग करते हैं, यानी आप आटा भी ले सकते हैं, आप मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ और मैं उससे कर रही हूँ इसको डस्टिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे से इसको मैदे से, उसके बाद मैंने कोट कर दिया है। अब ले सकते हैं, ले लिया अच्छे से कोटिंग। आप नॉर्मल मैदा ले लीजिए, कॉर्न स्टार्च, घर का आटा भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने मक्खन और मैदे से कोट कर दिया है बर्तन और इसको रख दिया है मैंने साइड में। और एक साइड मेरी गैस पे मैंने अपनी कढ़ाई प्री हीट करने रखी हुई है। लगभग 5 मिनट इसको फोल्ड करते हो गए। आप जितना फोल्ड कर सकते हैं उतना टाइम दे दीजिए, मैक्सिमम एटलीस्ट 5 मिनट तो होना ही चाहिए। और दूसरी साइड मैंने अपनी कढ़ाई में प्री हीट करने ऑलरेडी रख दी है। और अब क्या करना है, मुझे डालना है इनो, तीनों में डालूंगी इसको एक्टिव करने के लिए ताकि एकदम ये फ्लफी हो जाए और एकदम फूल जाए। ठीक है, राइट, मैंने इनो बीच में डाल दिया है। अब इसके बाद हमें काम थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा, हमने रुकना नहीं है। इसमें डाल देती हूँ मैं दो लूँ दो, आप देख सकते हैं ये एक्टिव हो गया। अब इसको करते हैं दोबारा से फोल्ड, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट्स में और कितने इकोनॉमिकली हम केक बनाने जा रहे हैं। मतलब आप किसी को ये बना के गिफ्ट भी करेंगे ना, इट विल डेफिनेटली बी हैप्पी कि हैंडमेड केक है
और इतना टेस्टी और इतना अच्छा है। ये अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब मैं इसको ट्रांसफर करने जा रही हूँ जो हमने ग्रीस अपना बर्तन किया था। अभी भी रिबन कंसिस्टेंसी बन रही है, आप देख सकते हैं एक रिबन की तरह गिर रहा है ये, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी। डालने के बाद इसको कर देते हैं थोड़ा सा टैन ताकि इक्वल हो जाए। इक्वल होने के बाद अब हम इसी स्टेज पर डाल देंगे इसके ऊपर नट्स, ताकि जब ये फ्लफी हो जाए ऊपर तक हमारे पास सिकता रहे, अच्छे अच्छे नट्स मेरे देखने को, देखने में भी सुंदर लगते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। ये बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में रखने जाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीहीट कर रखी है, तो थोड़ा काम हमें सावधानी से करना है। आएंगे और इसको हम इस पर रख लेंगे। रखने के बाद इसको वापस से हम अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब गैस को मैं कर दूंगी मीडियम फ्लेम पर। लगभग मैं इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और इसका टोटल टाइमिंग 30 से 35 मिनट रहेगा और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अभी 10 मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद थोड़ा सा इसको मीडियम स्लो कर दूंगी फ्लेम को, और बीच बीच में हम लोग चेक करते रहेंगे केक को और आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे किस तरीके से कैसा पक रहा है। हाय व्यूअर्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं आपको सिर्फ चेक कराने के लिए, देखिए कितना राइस हो गया मेरा केक, कितना इसमें उठाव आ गया मेरे केक के अंदर, देखिए। पर अभी तक पका नहीं है, आप देख सकते हैं हिल रहा है। सिर्फ मैं आपको चेक करने के लिए ही अभी तक दिखा रही हूँ। अब मैं इसको वापस ढक देती हूँ। लगभग मुझे 30-35 मिनट ऑल ओवर इस केक को पकाना है और मैं फ्लेम मेरी मीडियम ही रहने देती हूँ और इसको हम बीच बीच में फिर से चेक करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। व्यूअर्स, लगभग 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। मैं पहले तो करूँगी अपनी गैस बंद और सावधानी से इसका ढक्कन हटाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, इसलिए आप भी बड़ी सावधानी से इसका ढक्कन हटाने के बाद। वाओ, लुक एट द कलर एंड लुक एट द टेक्सचर, ये बीच में से एकदम फट चुका है। ये साइन होते हैं कि आपके केक अच्छे से बेक हो गया है। मैंने एक ले ली है टूथपिक। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं हुआ। टूथपिक लेने के बाद टूथपिक हम अंदर तक डालेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए मेरी टूथपिक एकदम क्लीन क्लीन बाहर निकली है, तो ये साइन है कि हमारा केक अच्छे से पक चुका है। मैं आपको और भी साइड से दिखा देती हूँ, नॉट फ्रॉम वन साइड। ये देखिए टूथपिक मेरी एकदम क्लीन बाहर निकल रही है। तो इस टेस्ट में हमारा केक पास हो चुका है, यानी ये बेक हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको बड़ी सावधानी से इसमें से निकाल लेंगे और 5 से 10 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडा हो गया। अब इसको हम डीमोल्ड कर देते हैं, इसको कर लेते हैं उल्टा इस तरीके से। देखिए ठंडा होने के बाद कितना परफेक्टली ये निकल गया है, और इसको कर लेते हैं सीधा। तो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारी प्लेटिंग के लिए भी बिल्कुल तैयार है। आप भी इसी तरह इस केक को ट्राई कीजिए, पार्ले जी बिस्किट वाला इंस्टेंट केक विद नो ओवन, नो माइक्रोवेव एंड विद नो एग। प्लीज़ इस केक को एक बार आप अपने घर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये इंस्टेंट वाला पार्ले जी केक कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे आगे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।